आप सभी कैसे हैं? आई एम धीरज कुमार फ्रॉम विजन इंस्टीट्यूट यमुना विहार। आज हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं बनाने इसमें क्वेश्चन आता ना हो, टाइप आप ही आती ना हो। उसका टाइप का नाम है एजेस। आज हम करेंगे एज वाले क्वेश्चन। ये ऐसा सिंगल टॉपिक है जो आपका मैथ्स में भी आता है, काउंट होता है, और रीजनिंग में भी काउंट होता है। इस एजेस के क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों मैथ्स के एज ए मैथ्स भी आएगा, एज ए रीजनिंग भी आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। आज हम करेंगे एजेस वाला टॉपिक। आयु, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एजेस। आप सभी ने पढ़ा भी होगा पहले। इसे हम पहले क्वेश्चन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एंड तक ले जाएंगे, एडवांस चले जाएंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एजेस का। आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, द रेशो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इज 3:2। If one is older to other by 5 years, so what is the age of younger student? आपका क्वेश्चन रखा है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। अगर एक की आयु दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो आपको निकालनी है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी थी। देखिए आपके ऑप्शन गिवन है, तो बहुत इजी है। आपको वो लगता है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है, 3:2। आपको यही करता हूँ, दो समझ करो, दो बच्चे हैं ए और बी, उनकी आयु का एज का रेशो रखा है 3:2। उनकी एज का रेशो 3:2 और बोल रहा है वन इज ओल्डर टू अदर बाय 5 ईयर, पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है। सपोज करो ए अगर 3 साल का ही होता, ए की आयु 3 साल होती, बी कितनी होती, 2 साल होती, और एक की आयु 3 साल बी की 2 साल, तो बोल रहा है कि एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो एक इतना बड़ा होता है दूसरे से, भाई तो 1 साल बड़ा है, ये 2 साल का है बी, ये 3 साल इतना बड़ा है, 1 ईयर बड़ा है। लेकिन बोला है एक ईयर कितना बड़ा है, वो एक की आपको लेती है, एक नहीं वो 5 साल बड़ा है, कितना बड़ा है वो 5 साल, यानी एक रेशो की वैल्यू आ गया कि 5। तो पूछा क्या है, छोटे विद्यार्थी के छोटे बच्चे की आयु निकालो, छोटे कितने है? रेशो क्या 3:2, छोटा कितना है 2 साल का, तो 2 × 5 करे इतना आ जाएगा 10 ईयर, कितना आ जाएगा 10 ईयर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका ठीक होगा, यानी छोटे वाला छात्र था, स्टूडेंट था, उसकी आयु कितनी थी आपकी 10 साल। यही सेम क्वेश्चन बड़े बच्चे भी पूछता, तो बड़े कितने आती 3 × 5 15 ईयर, बड़े बेटी की आती 15, बड़े छात्र की आती 15 साल, छोटी की आती 10 साल। आप चाहो तो आंसर वेरीफाई कर सकते हो, कितना बड़ा 5 साल ही बड़ा है, और क्वेश्चन आपका 5 साल ही बड़ा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम आपके सामने अगेन सेकंड क्वेश्चन, रीड करिए से। द रेशो ऑफ एज ऑफ टू पर्सन इज 4:7। इफ द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 30 ईयर एंड फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर। आपको बोल रखा है दो विद्यार्थी हैं, दो पर्सन हैं, उनकी एज का रेशो दे रखा है 4:7। सेम अगेन सेम करेंगे, दो पर्सन की एज का सेम आपको दे रखा है 4:7। वही मैंने ए माना है, एक की आयु, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, उनकी एज का रेशो दे रखा है गिवन है 4:7, क्या है 4:7, और बोल रहा अगर एंड वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 30 ईयर, और बोल रहा अगर एक की आयु दूसरे की आयु से कितनी बड़ी है, 30 साल अधिक है। अगर वही सेम, अगर एक 4 साल का है होता, बी होता 7 साल का, तो कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, कितना बड़ा है 3 बड़ा है। एक की अगर ए 4 साल का है, बी 7 साल का है, तो बी कितना बड़ा है, ऐसे 3 साल बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 3 साल नहीं, वो बड़ा कितना है, वो 30 ईयर बड़ा है, कितना बड़ा है 30 ईयर। तो 3 की वैल्यू रखिए 30, एक कितनी करेगी, एक की आ जाएगी 10, एक की आ जाएगी 10, ये 3 × 10 होते हैं 30 होते हैं, एक की वैल्यू होगी 10, एक की वैल्यू 10 है। पूछा गया आपसे दोनों की आयु का सब पूछा, तो एक साल का होगा 4 × 10, ये होगा आपका 40 साल का, बी कितना होगा 7 × 10,
ये होगा आपका 70 साल का। आपसे दोनों की आयु का सम पूछा है तो दोनों को आप ऐड कर दो, 70 और 40 110। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत इजी है, आपको दोनों की आयु का रेशो दे रखा है, 4 107 है, एक बड़ा दूसरा 3 साल, लेकिन कितना बड़ा है? 3 नहीं, 30 के बाद है, एक रेशो की 10 आ गए, तो एक की आ गई 40 साल, बी की आ गई 70 साल। अब जो भी सम पूछे या डिफरेंस पूछे आप कर दोगे, कितना समय आया दोनों जोड़ के? 10, 110, यानी कितनी थी दोनों का सम? 110। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको वो लिखा था रेशो ऑफ एज ऑफ टू पर्सन इज 5:9 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन बाय 40 ईयर, देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, एज इट इज, बस खाली रेशो चेंज हो गया है, वैल्यू चेंज हो गई है। ऐसा करते हैं, आप सभी लोग ट्राई करिए एक बार। आपको वो लिखा था रेशो दो दे रखा, 2% का रेशो रखा 5:9, दोनों की एज का रेशो रखा है 5:9, और क्या बोलना है? एक दूसरे से बड़ा है 40 साल, कितना बड़ा है? 40 साल। ये कितना बड़ा है? एक 5 साल का है, 9 साल का है, कितना है बड़ा है? 4 साल, लेकिन 4 की वैल्यू क्या आपको 40, कितना बड़ा है? 40 साल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 10 जा 40 होता है, अगर इधर 10 करा तो इधर भी 10, 5 10 जा 50, यानी एक 50 साल का आ गया, दूसरा आ गया गुणा में 10, ये आ गया 90 साल का। आपसे पूछा गया दोनों की आयु का सम पूछा है, दोनों को ऐड कर दो, 9 5 14 कितना आ गया? 140, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। बहुत इजी है, जो भी आपको रेशो दे रखा रखो, एक रेशो गल निकालो और पुट कर दो, एक के एज आगे 50 साल, एक के आगे 90 साल, सब पूछा कितना आ गया आपका? 140 ईयर। नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है, एक बार रीड करिए। आपको वो लगा दो लड़के हैं सुमित और प्रकाश, द रेशो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश इज प्रेजेंट इज 2:3, और बोला इफ सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश देन फाइंड द रेशो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश, एंड दो चीज निकाल लेते हैं, एंड द रेशो ऑफ सुमित एंड द रेशो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। इसको आपको दो चीज फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज का रेशो निकालना है और बोला उसके 6 साल बाद उनकी एज का रेशो कितना होगा। बहुत इजी है, करते हैं स्टार्ट इसे, सेम आप सेम रेशो मेथड से करेंगे आप। आपको क्या बोल रहा है? दो लड़के हैं सुमित और प्रकाश, एक सुमित ले लिया मैंने, दूसरा है प्रकाश, क्या इनके प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 2:3, प्रेजेंट में रेशो है 2:3, यानी वर्तमान में इसका रेशो 2:3। बोला सुमित है वो 6 साल छोटा है प्रकाश से, अगर प्रकाश 3 साल का होता, सुमित 2 साल का होता, कितना बड़ा होता? 1 साल छोटा होता, कितना गैप आता इसका? 1 साल। भाई देखो ना, अगर 3 साल का एक, लेकिन बोला एक नहीं छोटा, कितना है? 6 साल के बने, सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो सुमित कितनी आ जाएगी प्रेजेंट में? 2 6 12 आ जाएगी, 3 6 18। अगर प्रेजेंट एज की बात करें आप, तो प्रेजेंट एज तो आपका आ गया 12:18। आपका द रेशो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश प्रेजेंट में इसकी एज आ गई 12 और 18। अगर प्रेजेंट का एज बोलता तो सुमित आता 12 साल का, प्रकाश आता 18 साल का, इतना आपका निकल गया। लेकिन पूछा क्या आपसे? द रेशो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। अगर एक बात बताओ आप मेरे को, अगर सुमित अगर अभी इस टाइम 12 साल का है, प्रकाश 18 साल का है वर्तमान में, अगर आपसे 6 साल बाद पूछा है, 6 साल बाद में, कि अगर आप 12 साल के हो, 6 साल में कितना जाओगे? 6 आप ऐड कर दो, 12 6 18, आफ्टर 6 ईयर सुमित हो जाएगा 18 साल का, प्रकाश हो जाएगा
24 साल का, लेकिन आपसे पूछन का रेशो पूछा तो काट दो, 6 3 18, 6 6 24, यानी आपका रेशो आ गया 3:4, आपका रेशो आ गया 3:4, यानी 6 साल बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:4, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जो आपका रेशो मेथड करना है इजीली आपका निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेम आपको देता हूँ ऐसे, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली वैल्यू चेंज है। आपको बोल रखा है द रेशो ऑफ एज ऑफ अजय एंड, ये एंड है, 8 नहीं है, द रेशो ऑफ एज ऑफ अजय एंड विजय इज 4:3, अजय और विजय की आयु का अनुपात है 4:3, और वो लगता है एंड द सम ऑफ देयर एज इज 35 ईयर, दोनों की आयु का टोटल दे रखा है, दोनों मिला के 35 साल के हैं, तो बोला फाइंड देयर परसेंटेज, एक तो आपकी दोनों की परसेंटेज निकालनी है एंड द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर, और 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। सेम करते हैं, आइए कौन दे रखे हैं आपके लड़के, एक अजय है भाई और एक क्या है विजय, अजय विजय कितना है, अजय 4 साल का माने मैंने, ऐसे रखा 4:3, अगर अजय 4 साल का होता और विजय की आयु में 3 साल ही मानता तो दोनों का सम करता कितना आता, दोनों मिला के आते 7 साल के, दोनों मिला के होते 7 साल के, लेकिन आपने क्वेश्चन में ये रखा है द सम ऑफ देयर एज इज 35, दोनों मिला के कितने साल के हैं 35 साल के हैं, यानी 7 की आपको वैल्यू दे रखी है 35, तो 7 करूंगा 35 रानी करूंगा गुणा 5, यानी 7 5 35, अगर इधर 5 करा तो इधर भी 5, 3 5 15, यानी विजय होगा 15 साल का, ये होगा 4 5 20, तो 20 और 15 35 बनेगा, यानी अजय की वर्तमान आयु आ गई 20 साल, विजय की आ गई 15 साल, और दोनों का सम 35 आ गया, यानी एक तो आपका फाइंड हो गया, इनकी पूछी क्या फाइंड देयर परसेंटेज, तो परसेंट तो आ गई अजय की आ गई 20 साल और विजय है आपका 15 साल का, ये तो आपका फाइंड हो गया। अब सेकंड चीज में क्या पूछी गई है, सेकंड आपसे पूछा क्या है एंड द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर, यानी 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, वही अगर अजय 20 साल का है 8 साल बाद, यानी 8 साल और बढ़ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा अजय हो जाएगा आपका 28 साल का, कितना हो जाएगा आपका 28 साल का, और विजय कितना 15 साल का, अभी ये भी 8 साल बढ़ेगा, तो आपका विजय हो जाएगा 23 साल का, अजय आपका 28 साल का, विजय आपका हो जाएगा 23 साल का, इनका अनुपात पूछा 23 आपका प्राइम नंबर है कटेगा नहीं, इनका रेशो आ गया आपका 28:23, यानी 8 साल बाद इनकी अनुपात भी 28 हो जाएगा, और इनका एजी आपकी 28:28 साल और 23 साल हो जाएगी, क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इजी तरीके से करेंगे हम सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नेक्स्ट टाइप भी, एक तरह से मान लो एजेस की धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेवल अप करते जा रहे हैं, बट बेसिक क्वेश्चन था फिर थोड़ा अच्छा आया फिर इससे अच्छा आया, धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, हर टाइप कराऊंगा आपको मैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन एंड वुमेन इज 60 ईयर, 12 ईयर एगो द रेशो ऑफ देयर एज वॉज 5:4 एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, आपसे पूछिए क्या है प्रेजेंट एज पूछी है आदमी की, और आपको बोल रखा प्रेजेंट में दोनों आदमी और औरत मिला के दोनों का समय 60 साल, लेकिन इस बार आपको रेशो दे रखा है 12 साल पहले का, क्या दे रखा है 5:4, रेशो आपको गिवन है 12 साल पहले का 5:4, करते हैं इसे भी हम, देखो 5 साल पहले था 5:4, मैन था
मैन और वुमेन के आयु का अनुपात था 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 ईयर बिफोर, 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात था 5:4। अब देखिए, लेकिन आपको बोल रखा है प्रेजेंट में अगर दोनों आदमी मिला के 60 साल के हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आप प्रेजेंट में दो जने की आयु 60 साल है, अगर 12 साल में पीछे जाऊंगा तो 12 साल आदमी की आयु कम होगी, 12 साल ही औरत की आयु कम होगी। दोनों मिला के 3 साल कम होगा, दोनों मिला 24 ईयर दोनों का सम क्या आपका कम हो जाएगा। अगर अभी दोनों की आयु का सम 60 साल है, कितना सम है 60 साल है, 12 साल पहले की बीच की बात करूं, मैं आदमी 12 साल कम होगा औरत 12 कम होगी, कितने कम होगा मिला के 24 ईयर दोनों कम हो जाएगा। यानी 12 साल पहले कितना था दोनों की आयु का सम, कितना था 36, कितना था 36। ये लाइन क्लियर हुई आप सभी को? बताइए एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप सपोज करो आप और आपका भाई अभी दोनों मिला के 60 साल के हो, कितने के हो बताइए, दोनों का कितनी है, दोनों की सम आयु का भी 60 साल का है, अगर आप 5 साल पहले की बात करो तो आपकी आयु 5 साल कम होगी और आपके भाई की 5 कम होगी, दोनों को मिला के 5 साल के अंदर 10 साल कम होंगी। सेम इसमें ही कॉन्सेप्ट है, बोला 12 साल पहले का दे रखा 5:4, अभी दोनों की आयु का टोटल दे रखा 60 साल, 12 साल पहले औरत की 12 साल कम होगी और आदमी की एज 12 साल कम होगी, दोनों को मिला के टोटल 24 ईयर कम हो जाएगा। यानी अभी 60 साल का 24 घटा कितना 36 ईयर, या टोटल है ना 36 ईयर, यानी 5 साल, यानी 12 साल पहले, वही 12 साल पहले, यानी 12 साल पहले इनके क्षमता 36 ईयर। अगर 12 साल पहले आदमी 5 साल का था और 4 साल की थी, दोनों मिला कितने साल हो गए, सम करता 9 साल होता, लेकिन 9 कितना होना चाहिए था 36 साल, 9 36 ईयर होना चाहिए था, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाई 4, 36 होगा इधर मल्टीप्लाई 4, इधर मल्टीप्लाई 4, यानी 5 24, 4 16, यानी 12 साल पहले आदमी की आयु 20 साल थी, औरत की थी 16 साल। पूछा गया आपसे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट पूछिए, अगर 12 साल पहले आदमी 20 साल का था, अब प्रेजेंट पूछा, यानी प्रेजेंट में था 12 साल और जुड़ जाएंगे इसमें, 12 साल पहले था कितना आ गया 32 ईयर, कितना आ गया 32 साल, यानी प्रेजेंट में आदमी की आयु है 32 ईयर। अगर औरत की भी निकालनी होती, औरत का भी निकाल लेते हैं, अब वुमेन की पूछता है सेम क्वेश्चन में, उसमें एक बार 12 ऐड कर देते हैं, कितने आती है इसकी 28 साल आती, ये आती है इसकी वुमेन की, ये आपकी आ गई मैन की, आप सम कर लो 28 और 32 60 ही आएगा, यानी हमारे जो क्वेश्चन करा है एकदम ठीक करा है, आपका आंसर ही आपका वेरीफाई हो गया, आंसर ही आपका वेरीफाई हो गया, पूछा आपके मैन का, तो मैन का आंसर आएगा 32 ईयर, मैन का आपका आएगा 32 ईयर। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, जो भी आपको डायरेक्ट का पीछे करा पीछे करो, आए करना आए करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम सी टाइप का क्वेश्चन आपको कराता हूँ, देखिए आपसे बोल रखा है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड ए सन इज 100 ईयर, एक पिता और एक बेटे की आयु कट सम दे रखा है आपको 100 साल के हैं अभी नाउ मन प्रेजेंट में, और 5 साल पहले बोलूं 5 ईयर एवो इनकी एज का रेशो था 2:1, यानी 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:1। पूछा गया आपसे द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर विल बी, यानी 10 साल बाद प्रेजेंट से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, करते हैं ऐसे, अभी आपको कराया था मैंने ऐसे सेम कुछ मिलता जुलता इससे। देखो ये आपको प्रेजेंट में दोनों की एज कितनी है टोटल 100 साल, और 5 साल पहले की बात करूं उनकी आयु का अनुपात था 2:1, यानी एक फादर है एक सन, उनकी आयु का 5 साल पहले था 2:1 प्रेजेंट से 5 साल पहले,
दो अनुपात एक, ऐसा आ गया आपका 3 साल। अगर भाई पहले 5 साल पहले अगर फादर 2 साल को होता, सन 1 साल का होता, ये सन है सो है, सम आता 3 साल, लेकिन प्रेजेंट में कितना दोनों मिला के 100 साल के हैं। 5 साल पहले की बात करूं, फादर 5 साल कम होगा, इसका बेटे की आयु 5 साल कम होगी, यानी दोनों मिला के कितना कम होंगे, 10 साल कम होंगे, यानी 100 था, 10 साल कम हो गया, रह गया इनका सम रह गया 90 ईयर, उनका सम रह गया 90 ईयर, यानी 5 साल पहले 2 3 पहले खुद रखी है 90, तो क्या करूंगा 3 गुणा 30 90, 90 आएगा, इधर 30 करा तो इधर भी 2 गुणा 30, 30 दूनी 60, 30, यानी फादर 60 साल का था 5 साल पहले, और सन की आयु 30 साल की, दोनों मिलाकर 90 साल के थे 5 साल पहले। अब प्रेजेंट में इतना होगा, प्रेजेंट में 5 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट में भाई फादर होगा 5 जुड़ जाएगा 65 साल का, सन होगा 35 साल का, फादर आ गया 65 ईयर प्रेजेंट में। अब आ गया प्रेजेंट निकाला हमने, क्या निकाला है प्रेजेंट में, फादर 65 साल का आ गया, सन आ गया 35 साल का, तो दोनों मिला के 100 साल आ रहा है, यानी हमने जो करा भी था हमने एकदम ठीक करा है। प्रेजेंट में सम कहने का 100 ईयर दे रखा है, एक तो आप प्रेजेंट एज आ गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, पूछा है द रेशो ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर विल बी, 10 साल बाद उनकी दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। कुछ नहीं, बस आपको ऐड कर देना है, अगर फादर 65 साल का है 10 साल बाद इसकी उम्र 10 जुड़ जाएगी, फादर 75 साल का हो जाएगा, बेटे की आयु 10 साल बढ़ जाएगी, 35 10 45 हो जाएगी। आपसे एज पूछा तो फादर 75 का आता, बेटा आता 45 का, 150 बोला तो काट दो, 15 5 75, 15 3 45, रेशो आ गया 5:3, क्या आ गया रेशो 5:3, रेशो आ गया फादर और सन की आयु का 5:3, कितना आ गया 5:3, क्लियर है, और अब कर दिया मैंने, कितना आ गया 5:3 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके सेम ऐसा ही, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इसके। द टोटल एज ऑफ ए बी सी एट प्रेजेंट इज 90 ईयर, तीन, अब अभी तो 2 पर्सन आ रहे थे, ए और बी या फादर, इस बार 3 पर्सन आ गए। द टोटल एज ऑफ ए बी सी प्रेजेंट पर तीनों मिला के 90 साल के हैं। बोला 10 ईयर एगो द रेशो ऑफ देयर एज वॉज 1:2:3, और 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:2:3, तो पूछा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। कोई नहीं, सेम करेंगे ऐसे ही, देखिए प्रेजेंट में तीनों की आयु का सम है 90 साल, 10 साल पहले की बात हुई, 10 साल पहले ए बी और सी उनकी आयु का अनुपात था, रेशो था 1:2:3, कितना था 1:2:3। अगर प्रेजेंट में तीनों मिला के 90 साल के हैं तो 10 साल पहले तीनों की आयु तो 10 कम होगी, यानी प्रेजेंट में 90 साल के हैं तो 10 साल पहले 10 ए की 10 बी की टोटल कम हो जाएगी, 30 साल कम हो जाएगी, यानी 10 साल पहले तीनों की आयु मिला के थी 60 साल, कितनी थी तीनों की आयु मिला के थी 60 साल। अब प्रेजेंट 10 साल रेशो के रखा है, 1 और 3 कितना मिला के 6 होगी, 6 की वैल्यू यार 60 दे रखी है, गुणा 10 करेंगे आप, इधर भी गुणा 10 कर देंगे, यानी बी 20 साल का था, ए 10 साल का था, सी कितना था 10 साल पहले 30 साल का। आपसे पूछिए बी की वर्तमान आयु पूछिए, ये बी की 20 आई है 10 साल पहले, प्रेजेंट पूछिए 10 और ऐड कर दो, यानी बी की प्रेजेंट में एज कितनी है 30 साल, बी की प्रेजेंट वर्तमान आयु कितनी है 30 साल का है बी, बहुत ईजी है, जैसा आपको दे रखा है क्वेश्चन में रेशियो मेथड से करेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा, क्लियर है। एक और करते हैं इसका सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोला है अगर 10 साल पहले
रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 3:2 एंड आफ्टर 10 ईयर देयर एज रेशो विल बिकम 4:3 एंड फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। यानी आपको 10 साल पहले का रेशो दे रखा है, वो 10 साल बाद क्या होगा उसका रेशो गिवन है, और पूछी क्या दोनों की प्रेजेंट में एज का एज कितनी है एंड सम निकालना है। करते हैं तो बहुत इजी है। देखो सपोज करो प्रेजेंट में मैं यहाँ पर हूँ, मैं प्रेजेंट में, मेरी एज पता नहीं क्या है, कुछ प्रेजेंट में एज रही होगी। अगर आज से 10 साल पहले जाऊँ 10 ईयर बिफोर की बात करूं, 2% ए और बी, ए है बी है, उनका रेशो दे रखा है 3:2 था, कितना था 3:2। 10 साल पहले ए और बी की आयु का रेशो था 3:2, और अगर 10 साल बाद बात करूं यहां से 10 साल बाद, उनकी एज का रेशो हो जाएगा 4:3। क्या दे रखा आपको 4:3, क्या दे रखा 4:3। 10 साल पहले क्वेश्चन में 3:2 रखा था, पर इसके क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया, 10 साल पहले 3:2 था, 10 साल बाद 4:3 हो जाएगा। अब देखो सपोज करो अगर ए 3 साल का ही होता 10 साल पहले, अब कितने का हो गया 4 साल का हो गया। अगर बी की आयु 2 साल ही होती, बी कितने हो गया 3 साल का हो गया, यानी दोनों कितने बढ़ रहे हैं, दोनों 1 साल बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं दोनों 1 ईयर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक नहीं, इनका गैप का एज का 10 साल पहले 10 साल बाद, टोटल गैप है 20 ईयर का, टोटल गैप है आपका 20 ईयर का, यानी एक रेशो की वैल्यू आ गई आपकी 20, एक की आपकी वैल्यू आ गई 20। अब एक बार रेशो की वैल्यू आ जाए क्वेश्चन खत्म, एक रेशो की वैल्यू की 20, आप इस 20 से गुणा यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ करता हूँ तो 3 गुणा 20, 20 किया 60 साल गुणा में 20 यानी 40 साल, यानी ए की आयु 60 साल, बी की आयु आपके 40 साल, लेकिन ये 60 और 40 कब की आई है, ये 10 साल पहले की आई है, क्योंकि मैंने 10 साल पहले वाले उसमें मोना करा है। पूछिएगा आपसे परसेंटेज पूछी है, तो भाई 10 साल और जुड़ जाएगा, 60 और 10 70, 40 साल का है, 10 साल बाद हो जाएगा ये 50 साल का, यानी ए की परसेंटेज 70 ईयर है, बी की परसेंटेज कितनी है 50 ईयर, आपका आंसर आ गया। अब पूछा क्या सम पूछा है, दोनों को ऐड कर दो, सम पूछा सम निकालना कितना आ जाएगा 70 और 50 120 ईयर, 70 और 50 कितना आपका 120 ईयर, है दोनों की आयु का टोटल कितना रखा आपको 120 ईयर। क्लियर आप लोगों का? तो आज आप एज के मैंने 3 टाइप पे टाइप कराई आपको, आई होप आपको 3 टाइप क्लियर होंगी। आज इतना ही करते हैं, बाकी इसे नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट टाइप कराऊंगा, वही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, उसमें आपका एज डिफरेंस वाला कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।